अब आते हैं जो असल बड़ी खबर है, तीन बड़े इस्तीफे जो जिनकी मैंने बात की और दो बड़े चीफ इस वक्त फंस चुके हैं। नाज़िर गाम, तीन बड़े इस्तीफे, अब ये जो तीनों हलकों के फार्म 45 मंगवा ली, और आपको पता है कि फार्म 45 में ये तीनों जो लीगी रानमा ये हारे हुए हैं, और अब जब ये फार्म मंगवा लिए गए तो ये हल्के जब आपको पता है कि खुलेंगे तो तमाम जो धांधली का मामला है वो खुल जाएगा। अब इस हवाले से नाज़िर गाम कहा ये जा रहा है कि ये तीनों इस्तीफे आ सकते हैं कि जनाब ये रिज़ाइन कर देंगे हल्के खुलने से पहले। तो काज़ी फ़ैज़ ईसा के खिलाफ नाज़िर गाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रेफरेंस फाइल करने जा रही है। आमिर फरूक के खिलाफ भी इमरान खान जो हैं वो रेफरेंस फाइल करने जा रहे हैं इस बुनियाद के ऊपर जनाब कि इन्होंने जो छः जज के ख़त वाला मामला इसको बुनियाद बना करके और ट्रियान वाइट केस वाले मामले को बुनियाद बना करके जो है वो जैसे सामिर फरूक के ख़िलाफ़ जो है वो रेफरेंस फाइल करने जा रहे हैं इमरान खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं SNN न्यूज़। नाज़िकाम, जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी ने ब्लैकमेल होने से इनकार कर दिया। आपको पता है कि उनके खिलाफ एक बड़ी कंपेन चलाई गई उनकी जाली डिग्री के हवाले से, और इसके बावजूद आज उन्होंने तबाही फेर के रख दी। उन्होंने ज़रा भी जो है वो उसका असर नहीं दिया। इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं, और तीन बड़े इस्तीफे इस वक्त जो है वो आने जा रहे हैं, और इसके साथ साथ दो बड़े चीफ नाज़िर गाम बुरी तरह फंस चुके हैं क्योंकि इमरान खान जो है वो आग में कूद गए हैं। बहुत बड़ा सरप्राइज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो देने जा रही है, इसकी तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले तारिक महमूद जंगीरी और फिर जस्टिस बाबर सत्तार की कोर्ट से भी आपके सामने खबर रखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो जलसे कैनोसी मुलतवी हुआ उस हवाले से बड़ी खबरें आई कि जनाब जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत में ये फैसला गया है, तो आप वहाँ से क्या फैसला है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले नाज़िर गाम, जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी, आपको पता है कि जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी के खिलाफ असल में रेफरेंस और कंपेन और ये तमाम चीज़ें थी कि वो जो तीन हलकों के उन्होंने फार्म 45 और फार्म 47 और फार्म 46 जो मांग लिए थे ये उनका कसूर था, और एक ख़त लिखना। लेकिन आज फिर नाज़िर गाम उसी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में इलेक्शन पटिशन पर जो है वो उन्होंने समाअत की, और उन्होंने कहा कि जनाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इलेक्शन पटिशन पर 6 माह में फैसला करना होता है, यानी कि 180 दिन के अंदर फैसला करना, और उन्होंने कहा कि रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत होगी और 7 दिन से ज़्यादा की तारीख नहीं देना होती। क्या ऐसा ही है? तो जैसे तारिक महमूद जंगीरी ने वकला से मुकालमा किया और उसके बाद नाज़िर गाम उन्होंने रिमार्क्स दिए, उन्होंने कहा ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल के काम करने का बुनियादी असूल है, क्या किसी को इस पर एतराज़ है? जैसे तारिक महमूद जंगीरी ने जब ये रिमार्क्स दिए, तारिक फजल चौधरी के वकील जो हैं वो इसमें कूद पड़े और उनकी आज हार गई जैसे तारिक महमूद जंगीरी के सामने। तो उन्होंने कहा कि एक तो ये है कि ट्रायल रोज़ाना की बुनियाद पर होगा, किसी को एतराज़ है? जैसे तारिक महमूद जंगीरी ने जब ये पूछा तो इसके ऊपर तारिक फजल चौधरी के वकील ने कहा जी मुझे एतराज़ है। तो इसके ऊपर तारिक महमूद जंगीरी ने कहा क्या आपने वकालतनामा जमा कराया है? नाज़िर गाम, इसके ऊपर फिर वकील बोले, उन्होंने कहा मैं एक बात करूंगा, अदालत चाहे इसे कंसीडर ना करे। तो इसके ऊपर जो है वो जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी ने चुप करवा दिया क्योंकि उन्होंने वकालतनामा नहीं जमा कराया। तो उन्होंने कहा चुप करें, जब अदालत ने कह दिया तो खामोश हो जाएँ। और जिसके ऊपर फिर वकील ने कहा जी मैं माजरत चाहता हूँ। उसके बाद नाज़िर गाम जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी के खिलाफ जो कंपेन चलाई गई, उन्होंने दोबारा तीनों हलकों के फॉर्म 45, फॉर्म 46, फॉर्म 47 जो है वो तलब कर ली। उन्होंने कहा जी लाएँ और जमा करवाएं। जब ये बात की गई तो इलेक्शन कमीशन ने जो है वो इलेक्शन, उन्होंने एक नया इंकशाफ किया इलेक्शन कमीशन ने आज, और ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। इधर आप इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इलेक्शन पटिशन्स की मेंटेनेबिलिटी पर पहले फैसले की इस्तदा कर दी। इलेक्शन एक्ट के तहत सिर्फ इस्लामाबाद नहीं बल्कि पूरे मुल्क में पटिशन्स दायर की गई, तमाम ट्रिब्यूनल्स में पहले पटिशन्स काबिले समाअत होने का मामला तय किया जा रहा है। लाहौर में 50% इलेक्शन पटिशन्स काबिले समाअत होने के मामले पर मुस्तरद हो चुकी हैं, और अदालत से इस्तदा के पहले पटिशन्स काबिले समाअत होने पर फैसला कर लें। यह आज नया इंकशाफ किया कि जनाब 50% इलेक्शन पटिशन जो हैं वो मुस्तरद हो चुकी हैं। उसके बाद नाज़िर गाम ये एक नया इंकशाफ हुआ, और उसके बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन ने, उन्होंने जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का ट्रिब्यूनल तब्दील करने का ऑर्डर मुअत्तल है, वो बहाल हो जाए तो हम कार्रवाई रोक देंगे। रोज़ाना समाअत होगी, इल्तवा मांगने पर 1,00,000 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। आज नाज़िर गाम उन्होंने जो है वो मतलब आप अंदाज़ा लगा लें कि इतने प्रेशर के बावजूद जो कहें कि डटे हुए जनाब तमाम चीज़ें जो मेरिट के ऊपर होंगी। फिर नाज़िर गाम उन्होंने कहा कि आइंदा से तीनों पटिशन की रोज़ाना समाअत होगी, लेकिन हर हलके की अलग अलग समाअत होगी।
और उसके बाद नाज़िर काम उन्होंने दोबारा से जो खुर्रम नवाज़ नून लीग के कामयाब उम्मीदवार हैं उनसे उन्होंने फॉर्म 46 और जो NA 148 से जीते हुए हैं उन्होंने दोबारा तीनों जो फॉर्म हैं उन्होंने तलब कर लिए। और उसके बाद नाज़िर काम जो इनको फिर जुर्माना भी आयद किया गया, यानी कि उन तारिक फजल चौधरी को आया कि आज जो है वो फॉर्म 45 जो है वो जमा करवाएं, इसके ऊपर वो वक्त मांगते रहे लेकिन उनको वक्त नहीं दिया गया। और उसके बाद आज़े काम इनको जुर्माना आयद किया गया तीनों को, पीटीआई के उम्मीदवार अली बुखारी की MNA राजा खुर्रम नवाज़ के ख़िलाफ़ जो पटिशन उसमें जो है वो जवाब जमा ना करवाने के ऊपर जो MNA राजा खुर्रम नवाज़ है उनको 30,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया ट्रिब्यूनल का जो। उसके बाद उनको 3 दिन में जो है फॉर्म 46, फॉर्म 47 और फॉर्म 45 जो है वो जमा कराने का हुक्म जो है वो दिया गया है। नाज़िर काम ये बहुत बड़ी आज एक तो इनको 30,000 जुर्माना हुआ, तारिक फजल चौधरी को जो है वो 20,000 जुर्माना जो है वो आयद किया गया, और इसी तरह NA 48 की समाअत 9 जुलाई और NA 47 की 10 जबकि NA 46 की 11 जुलाई तक जो है वो समाअत यानी कि होगी। अब तीनों पटिशन्स की अलग अलग समाअत होगी। तो नाज़िर काम दोबारा से जो है वो तमाम चीज़ें मंगवा ली गई हैं और दोबारा से फॉर्म 45 और ये तमाम चीज़ें तारिक महमूद जहांगीरी की अदालत से उन्होंने तलब कर ली। अब आप अंदाज़ा लगाएं ये तमाम हरबे जो हैं तारिक महमूद जहांगीरी के ख़िलाफ़ जो एक पिछले 3-4 दिन से कम्पेन और प्रेशर और डिग्रियां जनाब मनसूख करवाई जा रही हैं और जाली डिग्रियां, लेकिन तारिक महमूद जहांगीरी जो है वो अपने असूल के ऊपर अटल जो है वो खड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा जी लाएँ ये तमाम चीज़ें जो है वो हम इन चीज़ों को हम करेंगे। अब इसके साथ साथ नाज़िर काम जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत से जो ख़बर ले लें, और वो आपको पता है कि जो जलसा मनसूखी वाला मामला है इसके ऊपर दरख्वास्त उन्होंने निपटा दी है, और उन्होंने कहा कि दिलों के हाल तो अल्लाह जानता है, क्योंकि उन्होंने पीटीए की जानिब से था कि बदनीति के ऊपर मबनी है कि जनाब इन्होंने जलसा मुलतवी कर दिया और बला बला। तो उन्होंने कहा कि दिलों के हाल तो अल्लाह जानता है और हमने कानून के मुताबिक फ़ैसले करने हैं। जैसे बाबर सत्तार ने यह कहा, उन्होंने कहा डेप्टी कमिश्नर एक ऑर्डर किया, चीफ कमिश्नर से ख़त्म कर दिया, अब आप चीफ कमिश्नर के ऑर्डर के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर करें। ये उन्होंने तजवीज़ दी, उनको मशवरा दिया पाकिस्तान तरीके साहब लोगों को, क्योंकि इनको खुद को तो अकल नहीं है, इनकी हिकमत अमली आपको पता है कि कितनी नाकस है। और फिर जो है वो शुएब शी ने कहा कि हम फिर आज ही रिट पटिशन जो है वो दायर करेंगे, लोग बदनीति कर रहे हैं और हमें कुछ नहीं करने दे रहे। इसी तरह नाज़िर काम इस हवाले से जो है वो आपको खबरें सुनने को मिल रही होंगी कि जनाब जस्टिस बाबर सत्तार की कोर्ट से पता नहीं ये जलसा मनसूख करने के ऊपर पता नहीं क्या आ जाएगा, और जनाब हुआ कख भी नहीं। उसके बाद नाज़िर काम जस्टिस बाबर सत्तार की ही कोर्ट से खबर और है, वो खबर यह है कि तरीके इंसाफ आमिर मुगल की गिरफ्तारी पर जो PTI ने उनसे उनकी कोर्ट में गए, तो इसके ऊपर जो है वो उन्होंने जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि जनाब मुतलका फॉरम से आप रजू करें, और उन्होंने कहा कि पुलिस एंड डेप्टी कमिश्नर यानी कि तरीके इंसाफ की जानिब से कहा गया कि पुलिस एंड डेप्टी कमिश्नर दफ्तर से आमिर मुगल को गिरफ्तार किया, आमिर मुगल को उठाने के पूरे एक दिन तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। शुएब शी ने यह कहा, तो उसके ऊपर जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि मुकदमा है तो मुतलका फॉरम पर जाए, यानी कि अगर इस तरह का मामला है मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो पहले मुतलका फॉरम के ऊपर जाएँ, ये तोहीन अदालत तो नहीं बनती। तो ये नाज़िर काम खबर थी। अब आते हैं जो असल बड़ी खबर है, तीन बड़े इस्तीफे जो जिनकी मैंने बात की और दो बड़े चीफ इस वक्त फंस चुके हैं। नाज़िर काम तीन बड़े इस्तीफे, अब ये जो तीनों हलकों के फॉर्म 45 मंगवा लिए गए, और आपको पता है कि फॉर्म 45 में ये तीनों नून जो लीगी रहनुमा ये हारे हुए हैं, और अब जब ये फॉर्म मंगवा लिए गए तो ये हल्के जब आपको पता है कि खुलेंगे तो तमाम जो धांधली का मामला है वो खुल जाएगा, कि जिस तरह ये तारीख की बदतरीन धांधली की गई। अब इस हवाले से नाज़िर काम कहा यह जा रहा है कि ये तीनों इस्तीफे आ सकते हैं कि जनाब ये रिज़ाइन कर देंगे हल्के खुलने से पहले। एक तो नाज़िर काम खबर ये है, और दो बड़े चीफ जो इमरान खान साहब आग में कूद गए हैं वो ये है कि एक तो कादी फैज ईसा के ख़िलाफ़ नाज़िर काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रेफरेंस फाइल करने जा रही है, और इसके साथ साथ चीफ जस्टिस जो दूसरे चीफ हैं आमिर फरूक के ख़िलाफ़ भी इमरान खान जो हैं वो रेफरेंस फाइल करने जा रहे हैं। इस बुनियाद के ऊपर जनाब कि उन्होंने जो 6 जज के खत वाला मामला इसको बुनियाद बना करके और ट्रियान वाइट केस वाले मामले को बुनियाद बना करके जो है वो जैसे आमिर फरूक के ख़िलाफ़ जो है वो रेफरेंस फाइल करने जा रहे हैं इमरान खान साहब। तो ये नाज़िर काम अब जो है वो इनके घेरा गिर्द घेरा तंग जा रहा है।
अब एक खबर और ले लें कि आज हंगामी इजलास 4 बजे जो है वो हो सकता है, जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये इजलास चल रहा हो, एक हंगामी इजलास इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फुल कोर्ट है उसने उसका इजलास जो है वो बुला लिया गया, जिसमें जस्टिस आमिर फरूक की सरबराही में जनाब जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ कंप्लेन चलाई जा रही है या जजेस के खिलाफ जो कंप्लेन चलाई जा रही है उस हवाले से उस इजलास में जो है वो बड़े अहम फैसले आज किए जाएंगे। तो आज बड़ा ही इवेंटफुल डे है और बहुत बड़ी बड़ी खबरें कोर्ट से आ रही हैं, वो आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।